फ्रेंच ऑथर लियो टॉलस्टॉय की मुझे एक कोटेशन, एक कहावत याद आती है कि वो कहते हैं कि इंसान पूरी दुनिया को चेंज करने निकलता है, लेकिन सबसे पहले जो उसको अपने आप को चेंज करना होता है वो इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं देता है। वैसा ही हमारे उमर साहब करते हैं, ये खुद पता नहीं क्या क्या गड़बड़ी करते हैं, पता नहीं कौन कौन सी डुमकियाँ, कौन सा छपरीपन करते हैं, और उसके बाद हमारी लड़कियों को, हमारी बहनों को बदनाम करते हैं। आज हम बात करेंगे कश्मीरी टैलेंटर्स के बारे में, जिनमें टैलेंट इतना कूट कूट के भरा पड़ा हुआ है कि वो लड़कियों के आगे कुछ सोचते नहीं है। लड़कियों को बदनाम करने के अलावा वो कुछ नहीं सोच रहे हैं। एक क्वालिटी है इनमें जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, आयरनी है यार, तो वो ये है कि ये अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपनी व्यूज बढ़ाने के लिए ये इस्लाम का नाम लेते हैं, एक इमोशनल वे में इस्लाम को प्रेजेंट करते हैं, अपनी वीडियोस को प्रेजेंट करते हैं इमोशनल वे में कि इस्लाम हमारा ये कहता है, वो कहता है। अरे यार, अगर इस्लाम ये कहता है, वो कहता है, पहले खुद की ओर देखना चाहिए। चलो मान लेते हैं इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं रोस्टिंग करता हूँ, मैं मतलब कुछ चेंज लाना चाहता हूँ कि जो हमारी लड़कियाँ हैं जो टिकटॉक वीडियोज़ बनाते हैं, इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं, चलो मान लेते हैं, ठीक बात है। लेकिन मुझे लगता है जब इंसान को कोई भी इनिशिएटिव लेना होगा, कोई भी मतलब नसीहत करनी होगी दूसरे बंदे को, पहले अपने ओर पे ध्यान देना चाहिए कि क्या मैं ठीक हूँ, कहीं तो मैं कुछ गलत नहीं हूँ, उसके बाद वो भाषण देना चाहिए। पहले मुझे ये बात बताइए कि कुरान में कहाँ पर लिखा गया है, हमारे इस्लाम में कहाँ पर लिखा गया है लड़कियों की इमेज खराब करो, उनको मतलब एक्सप्लॉइट करो, उनको बदनाम करो। हालांकि मैंने ऐसा सुना है कि कुरान में ऐसा लिखा गया है कि अगर कितनी भी बड़ी गलती लड़की करती हो उसका पर्दा करो, इनफैक्ट कोई भी अगर करता है, लेकिन हमारे उमर साहब का कुछ अलग ही सीन है। चलो मान के चलते हैं कि उमर साहब के इंटेंशंस अच्छे होते हैं, वो ये रोस्टिंग इसलिए करते हैं, लड़कियों की इमेज इसलिए ख़राब करते हैं ताकि जो लड़कियां टिकटॉक बनाते हैं, इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं, वो सुधर जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इंसान को पहले अपने आप पे ध्यान देना चाहिए। एक वीडियो आप देख लीजिए यहां से कि ये पहले कौन सी ये डुमकियां मारता है, ये मतलब कौन सा ये छपरीपन करता है, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन उसी उसके बाद ही इसको जब वीडियो बनाना होता है, इसको जब व्यूज चाहिए होते हैं, तो इस्लाम का नाम लेते हैं, खुद दूसरों को मतलब नसीहतें करने पे आ जाता है। पहले अपने आप को देखो ना, क्या करते हो। एक फ्रेंच ऑथर लियो टॉलस्टॉय की मुझे एक कोटेशन, एक कहावत याद आती है कि वो कहते हैं कि इंसान पूरी दुनिया को चेंज करने निकलता है, पूरी दुनिया को चेंज करना चाहता है, लेकिन सबसे पहले जो उसको अपने आप को चेंज करना होता है वो इस चीज की तरफ तवज्जो नहीं देता है। वैसा ही हमारे उमर साहब करते हैं, ये खुद पता नहीं क्या क्या गड़बड़ी करते हैं, पता नहीं कौन कौन सी डुमकियां, कौन सा छपरीपन करते हैं, और उसके बाद हमारी लड़कियों को, हमारी बहनों को बदनाम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो मुझे लगता है अगर उस तक ये वीडियो पहुंच रही होगी तो समझ जाएगा बेचारा, जमीर उसका जाग जाएगा जरूर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो पता ही है शेयर करना है। ये वाली बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग, ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। अगर आप ये वाली बुक पढ़ोगे तो आपकी मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो सकती है, बहुत ज़्यादा हद तक। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है बुक का, आप परचेज कर सकते हो वहाँ से।